जो लोग RSMHSB की पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी जो है नया कोर्स लेके आया है पटवारी का, जो कि आज 19 अगस्त से जो है वो शुरू हो गया है। तो इसमें जो है अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपको क्लासेस देंगे, और ये क्लासेस जो है आपकी, अब एग्ज़ाम जो है वो फ़रवरी में है, तो ये आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी आप अभी। और सबसे पहले जो है आपकी हिंदी की क्लासेस होंगी जो कि सरोज मिश्रा मैम लेंगी, और फिर उसके बाद जो है सारा जो शेड्यूल है जिसमें आपकी राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस होंगी, बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस होंगी, मानसिक योग्यता और तर्क, और उसके अलावा मैथ्स की क्लासेस और सामान्य विज्ञान और भूगोल, ये सारी क्लासेस जो हैं आपकी हो जाएंगी। और आप उसके बाद जो है आपकी करंट अफेयर्स की दिसंबर से शुरू हो जाएंगी क्लासेस, और राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति की जो है वो क्लासे आपकी, ये सारी क्लासेस जो है वो एग्ज़ाम से पहले पहले यानी जनवरी तक जो है कंप्लीट हो जाएंगी, ताकि आपको जो है आराम से अच्छे से टाइम मिल जाए इसको वापस जो है रिवीजन करने का। और यहाँ पे आप लोग जो है इसे, इसका कोर्स जो है वो ले सकते हैं, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोग अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कोर्स पे। तो उसका भी जो कोड है वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू। जिन लोगों को पटवारी की तैयारी करनी है वो लोग ज़रूर ज़रूर ये कोर्स ले लें। हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनिमल बिहेवियर के बारे में। हम पढ़ रहे थे अब तक, हमने जो है देखा था कि किस तरह से जो है एनिमल्स बिहेव करते हैं और क्या क्या जो है उनको अफेक्ट करता है बिहेवियर को। उसके अलावा हमने पढ़े मेथड्स जो है स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। आज हम देखेंगे इसी में लर्निंग क्या होता है, एनिमल बिहेवियर में लर्निंग। सो लर्निंग क्या है कि ये एक एबिलिटी है इंडिविजुअल की टू रिमेंबर एंड चेंज वंस बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू जो अर्लियर एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको, उसके रिस्पॉन्स में अपने जो चेंज है बिहेवियर में वो करने का, और अपने बिहेवियर को रिमेंबर करने की एबिलिटी है इनकी। सो एनिमल्स जो हैं दे लर्न फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। जैसे कि और पर्टिकुलरली जो ग्रोइंग पीरियड होता है उनका, तब वो जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपने सराउंडिंग से, अपने एक्सपीरियंसेस से जो है वो सीखते हैं। और जो लेटेंट लर्निंग है यानी जो सबकॉन्शियस लर्निंग होती है एनिमल्स की, विद नॉलेज अबाउट देयर सराउंडिंग और उनके जो एस्केप रूट्स वगैरह हैं, और ये ऐसा कि कौन से एरिया में जो है फूड और वाटर अवेलेबल रहेगा, ये भी उनको जो है बिहेवियर में मदद करता है, उनके जो बिहेवियर है उसको डिफाइन करता है ये। सो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है निको टिम्बर्जन, इन्होंने 1951 में जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया था जो डिगर वैस्प है उन पे, कि वो जो है अपनी जो नेस्टिंग साइट्स है वो रिमेम्बर करते हैं बाय लैंडमार्क्स। हम लोग भी जो है अगर कहीं जा रहे हों तो हम जो है लैंडमार्क्स से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं द पर्टिकुलर प्लेस जहाँ हमें जाना होता है। तो सिमिलरली ऐसा है कि ये जो वैस्प हैं, जो डिगर वैस्प है, ये भी अपने जो नेस्टिंग साइट्स हैं उनको लैंडमार्क से रिमेंबर करते हैं, लेकिन अगर उनके लैंडमार्क जो हैं वो चेंज कर दिए जाएँ तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो यहाँ पे उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है। सो नेक्स्ट जो है, क्योंकि उनकी लर्निंग में यहाँ पे चेंज हो गया है, सो नेक्स्ट है WH थॉर्पे, और इन्होंने डिफाइन किया था लर्निंग को एज इंटरनल चेंज इन द एनिमल कॉजिंग अडेप्टिव चेंजेस, यानी अडेप्टिव चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी उसको पहले एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद जो है उसमें अडेप्टिव चेंजेस आए उसके बिहेवियर में, क्योंकि एनिमल्स जो भी हैं वो अडेप्टेशन करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर वेलबींग। और फिर नेक्स्ट है एन ई मिलर, इन्होंने लर्निंग को परमानेंट टेंडेंसी कहा था फॉर ए स्टिमुलस टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स दैट कैन बी रिवर्स बाय ट्रेनिंग, यानी इस लर्निंग को जो है रिवर्स किया जा सकता है बाय ट्रेनिंग, ये किसने कहा, एन ई मिलर ने। तो अब देखो जूलॉजी में जो इथोलॉजी है ये काफ़ी जो है साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस जो है इसमें आ रहा है।
ये हम देखा था कि ये जो बाकी के साइंस है ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है ऐसे बर्नेट, इन्होंने डिफाइन किया था। सो ये है निको टिम्बर्जन, एंड देन है डब्ल्यू एच थॉर्पे, देन है एनी मिलर और देन है एस ए बार्नेट। इन्होंने डिफाइन किया लर्निंग को एज एन एनी अडाप्टिव चेंज इन द बिहेवियर, यानी कोई भी अडाप्टिव चेंज हो बिहेवियर में जो एक्सपीरियंस से आया हो, जो रिपीटेड एक्सपीरियंस या फिर उसकी स्टिमुलाई जो है, एक्सपीरियंस ऑफ रिपीटेड स्टिमुलाई से जो है चेंज आया हो, उसे हम कहते हैं लर्निंग। सो लर्निंग जो है वो बहुत टाइप की होती है एनिमल्स में। पहली है इंस्टिंक्ट्स। तो इंस्टिंक्ट्स क्या होता है कि एक एनिमल का इननेट बिहेवियर है, यानी ये इनबॉर्न होता है, वो कहीं से सीखता नहीं है इसको, और ये जो है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होता है, यानी हेरिटेबल कैरेक्टर है ये। उसका इनबॉर्न कैपेसिटी है टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। सो ये जो है जो भी स्पीशीज़ होती हैं इसको हम कहते हैं स्पीशीज़ मेमोरी, उनकी सबकी जो है स्पेसिफिक होती है। सो जो सारे मेम्बर्स हैं उसको वो लर्न करते हैं थ्रू मैनी जनरेशंस। सो इंस्टिंक्ट जो है वो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में बिल्डअप होती है और ये कंट्रोल और मॉडिफाई करती है हमारे बिहेवियर को, यानी एनिमल्स के बिहेवियर को। और इसमें जो है काफ़ी वक्त लग जाता है और सीखने में और इसको जो है एग्जीक्यूट करने में जो है काफ़ी वक्त लग जाता है। सो इंस्टिंक्ट जो है उन एनिमल्स के लिए एडवांटेजेस होते हैं जिनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, यानी कि उनके पास ना तो लर्न करने के लिए टाइम होता है और ना ही जो है पेरेंट्स के पास टाइम होता है अपने बच्चों को सिखाने का। जैसे कि हनी बी वगैरह हैं तो वो अपनी बी हाइव्स वगैरह हैं वो बनाती है बाय देयर इंस्टिंक्ट्स। और इनवर्टिब्रेट्स जो है वो जनरली ये जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थ्रू देयर इंस्टिंक्ट। ओके, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेरेंटल केयर नहीं है जुवेनाइल्स के पास और उनको जो है खुद के भरोसे जो है छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो है लाइफ स्पैन कम है, तो दे डाई। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो अपनी जो सर्वाइवल की जो सर्वाइवल के लिए अपने इंस्टिंक्ट पे जो है बेस्ड डिपेंड करते हैं देयर एक्टिविटी थ्रू इंस्टिंक्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सो बहुत सारे जो है हमने देखा कि इनवर्टिब्रेट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थ्रू इंस्टिंक्ट। ये जो नेक्टर कलेक्टिंग है, हाइव बिल्डिंग है, हनी बी, ये भी इंस्टिंक्ट के थ्रू होता है। इसके अलावा जो माइग्रेशन है बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में, जैसे सी टर्टल्स में है, तो वो भी इंस्टिंक्ट की मदद से ही होता है उनकी। और उसके अलावा जो कैटाड्रॉमस ईल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर से सी वगैरह में आती है अपने जो है स्पॉनिंग के लिए यानी बच्चे देने के लिए, और जो एनाड्रामस सामन है जो समुद्र से नदियों में जाती है अपने बच्चे पैदा करने के लिए, ये भी जो है उनके इंस्टिंक्ट से ही होता है। नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रिंटिंग। अब जो इम्प्रिंटिंग है वो कंट्रोल होती है बाय जीन्स, ये स्ट्रांगली कंट्रोल होती है बाय जीन्स। जैसे कि जो यंग चिक्स हैं वो लर्न करते हैं अपने पेरेंट्स से एक्टिविटीज़ जैसे कि सिंगिंग है, नेस्ट बिल्डिंग है, या फिर अपनी मदर को फॉलो करना। आपने देखा होगा कुछ चिड़िया वगैरह के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बर्ड्स के या फिर हैन के, तो वो जो है अपनी मम्मी के पीछे 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 घूमते रहते हैं और जो गाने वाले बर्ड्स हैं वो उनसे सिंगिंग सीखते हैं और नेस्ट बिल्डिंग की कैपेसिटी सीखते हैं। तो ये इम्प्रिंटिंग है जो कि जीन से कंट्रोल होती है। यहाँ पर तीन टाइप की इम्प्रिंटिंग है हमारे पास। पहली है फिलियल इम्प्रिंटिंग। फिलियल इम्प्रिंटिंग जो है उसमें इन्वॉल्व होती है वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हैं इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, यानी जो अर्ली स्टेज है उनकी लाइफ की उसमें जो भी उन्होंने सीखा है सारी एक्टिविटीज़ उसको हम फिलियल इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जैसे कि चीता, लेपर्स, टाइगर्स में जो है हंटिंग की जो एबिलिटी है, ये हंटिंग की जो लर्निंग है ये जो है यंगर एज में सीखते हैं वो उनके बच्चे जो है उनसे। देन है सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। तो सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग क्या होता है कि ये है रिकग्निशन ऑफ अपोजिट सेक्स इन अडल्ट स्टेज। और फिलियल जो है वो अर्ली स्टेज में आ गया, देन सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग जो है वो अडल्ट स्टेज में आएगा। यहाँ पे जो है वो दिखाएंगे कोर्टशिप डिस्प्ले दिखाएंगे, जैसे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह में होता है कि वो नेस्ट बनाते हैं और उसको अच्छे से सजाते हैं और डांस करते हैं, उसके अलावा गाना गाते हैं, और भी अदर एनिमल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है बिहेवियर शो करते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल।
जैसे सिंगिंग, फिगर डिस्प्ले एंड डांसिंग, ये जो है सीखा जाता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग स्टेज बाय वॉचिंग द अडल्ट। सो यहाँ पे ये हो गया सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। तो ये उसके अलावा जो नेस्ट बिल्डिंग है बाय वीवो बर्ड्स, ये भी लर्न की जाती है बाय इंडिविजुअल्स इन यंगर स्टेज बाय वॉचिंग द ओल्डर इंडिविजुअल्स। तो इन्होंने ये देख देख के जो है सीखा है, ये लर्न किया उन्होंने। देन है सोशल इम्प्रिंटिंग। ये होती है ड्यूरिंग द ब्रीफ बट सेंसिटिव अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, बट इसकी जो है ग्रेटर स्टेबिलिटी रहती है और ये जो है एनिमल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है टूवर्ड्स द अदर्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो यानी कि दूसरों के प्रति वो अपनी बाकी की ज़िंदगी में किस तरह व्यवहार करेंगे, ये जो है इसमें आता है सोशल इम्प्रिंटिंग में। सो अडल्ट बिहेवियर जो है इस लर्निंग का रिजल्ट है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। जो उन्होंने सीखा है कि उनको अपने जो फेलो एनिमल्स हैं और उनसे जो है किस तरह से बिहेव करना है, या अपने से जो छोटे हैं उनके एनिमल के इंट्रैक्शंस होते हैं तो वो उनको किस तरह से करना है, ये सोशल इम्प्रिंटिंग में आता है, ये उन्होंने लर्न किया। नेक्स्ट है हैबिचुएशन। तो हैबिचुएशन में क्या होता है कि उनको अब हैबिट हो गई है इसकी, तो इसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलस है उसका रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है, यानी उसको रिपीटेडली वही स्टिमुलस मिल रहा है, तब वो उसके प्रति जो है उदासीन हो जाता है, यानी रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है। सो ये जो है स्टिमुलस स्पेसिफिक डिक्लाइन जो है इन द रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रिपीटेड स्टिमुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जो अर्बन एरियाज़ में एनिमल्स होते हैं वो लाउड साउंड जो है व्हीकुलर ट्रैफिक की, उससे पहले पहले तो वो घबराते हैं लेकिन उसके बाद जो है उनको उसकी आदत हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि सड़कों पे जो है गाय वगैरह और जो एनिमल्स है वो ऐसे ही घूमते हैं आराम से, भले कितनी हॉर्न दे दो वो नहीं हटेंगे वहाँ से, तो नहीं हटेंगे, तो उनको आदत हो गई है इस साउंड की, अब वो जो है भागते नहीं है इस साउंड को सुन के। तो ये उन्होंने सीखा है इस तरह से, जबकि उनके जो वाइल्ड काउंटर पार्ट्स हैं वो एक्सट्रीमली जो है एग्रीटेटेड हो जाते हैं बाय द सेम स्टिमुलस, क्योंकि उनको ये उनके लिए ये नया है, वो उसके प्रति अभी हैबिचुअल नहीं हुए हैं। सो हैबिचुअल जो है वो होता है ये जो है थकान नहीं होती है मतलब, बट लर्निंग नॉट टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई है ये, यानी उन्होंने क्या कर लिया है कि अब सीख लिया है कि जो स्टिमुलाई है उसके प्रति जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देना है, हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना है, ठीक है, नाइदर रिवॉर्डिंग नॉर प्यूनिटिव टू द एनिमल। सो हैबिचुएशन से क्या होता है कि टाइम और एनर्जी दोनों सेव होती है उस इंडिविजुअल की फॉर मोर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। देन है सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन से क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है हैबिचुएशन के, है ना, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इंक्रीज हो गई है टू अ रिपीटेड स्टिमुलाई, पहले वाले में डिक्रीज हो रही थी लेकिन इसमें क्या है कि वो इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल अपोजिट हो गया है उसके हैबिचुएशन के। सो यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो उस एनिमल को इरिटेट करता है या फिर अनॉय करता है, जिस वजह से वो एनिमल जो है वो इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो शो करता है टूवर्ड्स दैट स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग की जो स्किन है उसको निडल से टच करेंगे तो वो उस एरिया को जो है अपने पीछे वाले पैरों से साफ कर लेगा, और ये जो है अगर हम उसको बार 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 उस नीडल से टच करते रहेंगे तो उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है टूवर्ड्स दिस स्टिमुलस वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको उससे इरिटेशन हो रहा है, नीडल से हम उसको प्रिक करेंगे तो ऑब्वियसली उसको इरिटेशन होगा, उसे उससे अनॉयंस होगी उसको, तो इस तरह से जो है उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसका बिहेवियर जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशनिंग। तो इसके जो है फेमस एग्जांपल्स हैं जो आईपी पावलोव का, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन डॉग और इसको डॉग को जो है फूड दिया था आफ्टर उन्होंने वो पहले बेल बजाई थी फिर फूड दिया था और फिर ऐसा किया था, तो ये कंडीशनिंग वाली थ्योरी थी आईपी पावलोव की। सो कंडीशनिंग क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल लर्निंग है इन विच ए स्टिमुलस एलिसिट्स अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फ्रॉम द एनिमल, यानी उसको हमने कुछ स्टिमुलस दिया तो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करेगा उस स्टिमुलस के प्रति। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो डॉग है इसको खाना दिया और बेल बजाई खाना दिया ऐसा करके, सो ये डॉग की जो है यहाँ पे कंडीशनिंग हो गई टू द जो बेल बजी और फूड जो है आया
तो उसके जो है सलाइवेशन जो है वो इमिडिएटली स्टार्ट हो जाता था। जब एक बार जो है बेल बजाई और फूड नहीं दिया, फिर भी उसमें जो है सलाइवेशन उसका जो है शुरू हो गया था। ये जो है कंडीशनिंग के थ्रू जो है उसमें बिहेवियरल चेंज आया है। अगर एनिमल्स जो है दे आर प्रेजेंटेड विद अ चॉइस ऑफ टू और मोर स्टिमुलाई, द एनिमल गेट कंडीशन टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे बर्ड्स जो है वो कंडीशन हो जाते टू चूज द एडिबल बटरफ्लाइज फ्रॉम द अनप्लीजेंट वंस। सो ये जो है सारे लर्निंग है, लर्निंग के थ्रू जो बिहेवियर है वो किस तरह से चेंज होता है, किस तरह का जो बिहेवियर है वो एनिमल्स शो करते हैं, कौन से जो है ट्रांसफरेबल है, कौन सा जीन से कंट्रोल होता है और कौन सा जो है पहले सीखा जाता है, कौन सा बाद में सीखा जाता है। ये सारे जो है एक एनिमल के बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो जो लोग RSMSSB की पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी जो है नया कोर्स लेके आया है पटवारी का, जो कि आज 9 अगस्त से जो है वो शुरू हो गया है। तो इसमें जो है अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो है वो आपको क्लासेस देंगे, और ये क्लासेस जो है आपकी, अब एग्ज़ाम जो है वो फ़रवरी में है, तो ये आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी आप अभी। और सबसे पहले जो है आपकी हिंदी की क्लासेस होंगी जो कि सरोज मिश्रा मैम लेंगी, और फिर उसके बाद जो है सारा जो शेड्यूल है जिसमें आपकी राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस होंगी, बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस होंगी, मानसिक योग्यता और तर्क, और उसके अलावा मैथ्स की क्लासेस और सामान्य विज्ञान और भूगोल, ये सारी क्लासेस जो हैं आपकी हो जाएंगी। और आप उसके बाद जो है आपकी करंट अफेयर्स की दिसंबर से शुरू हो जाएंगी क्लासेस, और राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति की जो है वो क्लासे आपकी, ये सारी क्लासेस जो है वो एग्ज़ाम से पहले पहले यानी जनवरी तक जो है कंप्लीट हो जाएंगी, ताकि आपको जो है आराम से अच्छे से टाइम मिल जाए इसको वापस जो है रिवीजन करने का। और यहाँ पे आप लोग जो है इसे, इसका कोर्स जो है वो ले सकते हैं, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कोर्स पे, तो उसका भी जो कोड है वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू। जिन लोगों को पटवारी की तैयारी करनी है वो लोग ज़रूर ज़रूर ये कोर्स ले लें।